सो हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्न वाले 9.1 के दोस्तों प्रश्न संख्या 1 और 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न वाले 9.1 है और सवाल नंबर दोस्तों 1 है। हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कौन 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो देखें दोस्तों आकृति, आपका ये आकृति दिया हुआ, ये आकृति मैंने नहीं बनाया है, ये आपका सवाल में क्या कहते हैं आपका बुक में दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 20 मीटर, आप ये है आपका ये तनी हुई रस्सी आपका डोर जो कि भूमि के शिखर से कह रहा है ना 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पूरी तरह आपका ये तनी हुई एकदम टाइट है पूरा, ठीक है। जो भूमि का शिखर ये क्या आपका ये यहाँ शिखर हो गया और ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या हो गया खंभा हो गया, ठीक है खंभा हो गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन 30 डिग्री है तो कौन दोस्तों यहाँ 30 डिग्री का जो ये भूमि का शिखर जो इसके द्वारा रस्सी जो बंधा हुआ है यहाँ 30 डिग्री का कौन बना रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा हमारे खंभे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम इसको ना इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है इसको कुछ मान लेते हैं। चलिए दोस्तों हम बनाते हैं सवाल को, इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है ये खंभे को तो इसको h मान लेते हैं। अब देखो ये h हो गया और ये हो गया, देखो इसका इससे सीधे रिलेशन बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, सीधा हमें खंभे को चाहे पूछ रहा है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका क्या हो गया कर्ण, ये जानते हो आप ये कर्ण हो गया और ये आपका दोस्तों होता है आधार होता है, ठीक है ये आधार होता है और ये क्या होता है लंब होता है। अब देखो अब सीधी से बात दोस्तों है, समझ रहे हैं आप यहाँ तक, अब समझ गए लंब क्या होता है कर्ण क्या है सब जानते हैं। तो देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, तो इसका सीधे रिलेशन इससे बनता है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, सीधा कर देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखिए रिलेशन, देखिए रिलेशन किससे मिल रहा है आप उस पर जाइए, उतना मत देखिए आप, ये लंब हो गया और ये कर्ण, सीधा लंब बटे कर्ण हम क्या लगाएंगे साइन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी साफ समझ गए, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो दोस्तों ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है दोस्तों, तब आपका पूरा नंबर मिलेगा। त्रिभुज ए बी सी में लिख दिया, अब देखिए रिलेशन क्या बन रहा है लंब और कर्ण, तो क्या देंगे साइन थीटा लेंगे, तो देंगे साइन थीटा बराबर दोस्तों आपका सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये आपको वाकई पता होगा। तो अब देखिए अब यहाँ थीटा है तो थीटा का वैल्यू यहाँ 30 दे रखा है, आपको दे रखा है ना, तो थीटा का वैल्यू आप नॉर्मली 30 रख दो, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब देखिए लंब, लंब तो लंब यही है ना, लंब ये माने है, तो लंब क्या एच माने है, तो एच बटे आपका क्या होता है कर्ण, कर्ण ये है आपका, ये कितना है 20 देर का, ठीक है समझ में आया यहाँ तक। अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, अब बराबर आपका हो गया एच बटे 20, ठीक है। अब क्या करो कोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो 2 × h करेंगे तो कितना 2h हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना 20 हो जाएगा, अब कटा दो 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20, तो यानी कि h बराबर दोस्तों आपका 10 मीटर सवाल हो गया। तो दोस्तों ये आपका पहला सवाल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जो आपका खंभे की ऊंचाई जो निकला आपका ये आपका 10 मीटर निकल चुका, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, तो ये देखिए ये आपका दूसरा सवाल, तो दोस्तों आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, दूसरा सवाल हमारा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको इसको बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों बताऊंगा आप, ठीक है चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं इसको दोस्तों छोटा कर देता हूँ, अब हिसाब मैंने पढ़ लिया, हिसाब का कोई काम नहीं। सबसे पहले बोला हमारा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, अब देखो मैं कहूँ एक पेड़ है, एक पेड़ यहाँ से एक पेड़ है, अब देखिए आंधी आने से आंधी जाए ना ये पेड़ टूट गया, अब ये पेड़ जब टूट गया तो यहाँ से टूटेगा, ठीक है तो यहाँ से टूटेगा ना, तो यहाँ से इसे टूटेगा तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये टूटा हुआ भाग है ना इस तरह टूटता है कि ये जो गिरा ना ये शिखर है ये आपको जमीन को छू लेगा, यानी कि ये जमीन यही है ना, ये जमीन यहाँ छू लिया, ये क्या कि यहाँ से यहाँ तक इसको छू लिया, ठीक है यहाँ तक बात समझ में आया। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कितना बना लिया जैसे छुआ ना तो 30 डिग्री का कोण बना लिया, यहाँ तक समझ में आया, चलिए आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं 30 डिग्री। अब कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, दोस्तों इसको ना इसको बोलते हैं पाद बिंदु और इसको शिखर बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा शायद। अब पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर, अब ये आपका 8 मीटर दिया होगा, ठीक है
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। देखो पेड़ की ऊंचाई क्या, ये आपका क्या है, पेड़ की ऊंचाई है पूरी, क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। अब देखो ये देखो ये पेड़ है, यहाँ से टूटा था, देखो ये भी पेड़ का हिस्सा है ना, तो ये भी ना ऊंचाई होगा जी। तो इसको आप x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। देखो ये पेड़ था भाई, टूट के इधर आ गया, तो ये भी आखिर पेड़ का ठाल हुआ ना, ये भी ठाल हुआ, ये भी ठाल हुआ, तो दोनों को मिलाएंगे जभी ना एक पेड़ हमारा पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, h और x का मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, चलिए दोस्तों हम दूसरा पेज में आपको बताते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। चलिए अब देखिए, तो आप कैसे मैंने किया, जैसे कि मैंने एक पेड़ बनाया और ये शिखर जमीन को छुआ, ऐसे कुछ आपका चित्र था। यहाँ आपका 30 डिग्री कोण बन रहा था, इसको मैंने एच माना था, यहाँ एक्स माना था, ये आर था। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो क्या बनाएंगे, इसको पहले ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यह आपको लिखना क्या है, यह आपको लिखना जरूर है, ठीक है। ए बी सी में लिख दिया, सबसे पहले इससे 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 क्या रिलेशन बन रहा है, लंब बटे आधार बन रहा है ना, ये लंब हुआ आपका, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, समझ में आया। तो लंब बटे आधार सबसे पहले ये निकालो, तो क्या लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। तो सबसे पहले लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका लंब बटे आधार यानी कि पी बटे आपका बी हो जाएगा। अब देखो थीटा का मान वही 30 रखेंगे हम, तो टेन टेन आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है, बराबर पी यानी कि लंब, तो लंब यही ना हुआ, इसको क्या मान है, एच मान है, तो एच दे दीजिए आप। अब आधार आधार बी है, तो बी कितना, ये है 8, तो 8 हो गया। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर भाई हिसाब बनने वाला नहीं है। अब एच बटे 8, अब फिर वह कोना कोने गुना कर दो, इससे 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 इसको, तो √3 गुना एच करेंगे तो हो जाएगा हमारा एच √3, अब बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब एच का मान यहाँ से आपका निकल जाता है 8/√3, यहाँ से आपका एच का मान निकल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ पाए, देखिए ये जो मैंने एच का मान निकाला, ये तो मैंने आधा पेड़ का निकाला है, ये वाला पूरा पेड़ है ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ होगा, क्योंकि ये टूटा है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो एच का मान निकल गया, एच से और इससे लंब और धार का कनेक्शन बन रहा था। अब देखिए इससे और इससे, क्योंकि ये भी पेड़ का भाग है, अब इससे और इससे क्या कनेक्शन बन रहा है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका कर्ण एच होता है, और ये आपका आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार, तो क्या किसका सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा ये कर देता हूँ, अब क्या निकालेंगे सेक, फिर वही त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर सूत्र आपका क्या होता है, थोड़ा जगह कम है दोस्तों, आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से। सेक थीटा का सूत्र आपका होता है कर्ण बटे आधार यानी कि एच बटे बी होता है, ठीक है। अब देखिए सेक, अब देखिए थीटा का मान तो वही रखेंगे, 30 ही रखेंगे, सेक 30, थोड़ी जगह की कमी हो रही है दोस्तों, ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना। तो मैं काम करता हूँ, इस फिगर को मिटा देता हूँ, ठीक है, फिगर को आप पहले ही नोट करना, ठीक है, इस फिगर को आप मिटा देता हूँ, मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं आप फिगर को नोट कर लूँ कॉपी में। चलो अब देखो सेक 30 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। अब देखो सेक 30 का मान कितना होता है आपका, सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है, कितना होता है, 2/√3 होता है। एच एच आप फिर से एक बार मैं फिगर बना देता हूँ, अच्छे छोटा फिगर बना देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, इसको एच माने थे, इसको एक्स माने थे, और यह आपका 30 डिग्री था और यह आपका 8 था, ठीक है। तो एच एच कितना है, एक्स है आपका और आधार आपका 8 है। अब फिर इसको कोना कोने गुना कर दो, कितना √3x हो जाएगा, तो √3x आपका, और ये 8 दुनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान आपका निकल गया 16/√3। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसका भी मान निकाल लिए, इसका भी यानी h और x दोनों का मान निकाल लिया। जब दोनों का भाई मान निकाल लिया तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तब ना पूरा पेड़ आपका होगा, आधा टूटा था आधा को जोड़ेंगे तभी ना पूरा होता है, तब दोनों को जोड़ दो अब, ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो। अब मैं ना दूसरे पेड़ में जाता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ इतना तक आप लिख लो, मैं जोड़ देता हूँ। चलो अब देखो, अब यहाँ लिखेंगे हम पेड़ की टोटल ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, h और x बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। अब h का मान हमने कितना निकाला था, h का मान देखिए आप 8/√3 था, तो 8/√3 लिख दिए हम, ठीक है। अब प्लस x का मान कितना था, 16/√3 था, ठीक है। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24/√3 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये रूट रूट जो थ्री है ना, इसका ये क्या हर है, ये अंश है। अब हर का आप परिमेयकरण कर दो, क्योंकि हमारा इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो हर का आप परिमेयकरण कर दिए तो 24 बटे रूट थ्री, तो ये आपका 24 रूट थ्री हो गया। तो 24 रूट थ्री आपका हो गया ये, और नीचे रूट थ्री ना रूट थ्री करेंगे कितना होगा, तीन होगा। अब तीन से कटाओ, तीन से आठ बार में जा गया, यानी कि 8√3 मीटर आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पहला दूसरा 9.1 का आपको सवाल बता दिया, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।